सो हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूँ आप लोग जहाँ भी होंगे वहाँ अच्छे होंगे। तो आरके यूट्यूब चैनल और फिर से एक लेटेस्ट वीडियो में आपका स्वागत है फ्रेंड। तो आज की इस वीडियो में बात करने वाले हैं बिहार कृषि इनपुट अनुदान 2021 और 22 के बारे में। दोस्तों आप लोग जानते ही उनके बिहार कृषि इनपुट अनुदान का जो आखिरी डेट रखा गया था 20 नवंबर तक रखा गया था, लेकिन कुछ एरर के कारण यानी वेबसाइट ओपन ही नहीं हो रहा था, बहुत सारे किसान का आवेदन ही नहीं हो पाया था। तो इसी को देखते हुए कृषि विभाग की तरफ से डेट को आगे बढ़ा दिया गया था, यानी 25 नवंबर तक आप आवेदन कर सकते थे। लेकिन उसमें भी बहुत सारे प्रॉब्लम आपको देखने को मिल जाएगा। जो भी आवेदनकारी आवेदन कर रहे थे, जो भी साइबर कैफ वाले थे, आवेदन ही नहीं हो रहा था। तो इसी को देखते कृषि विभाग की तरफ से दो और नई अपडेट आ गई है जो कि आज की इस वीडियो में बताने वाले हैं। तो चलिए बिना टाइम लिए कर देते हैं वीडियो का स्टार्ट। वो अपडेट क्या है यानी अपडेट आपको बताएंगे, वीडियो में बने रहिए लास्ट। उससे पहले आप हमारे चैनल पहली बार हैं तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन कॉल पर प्रेस कर दें, और वीडियो अच्छा लग रहा है तो प्लीज़ वीडियो की लाइक कर दें, क्योंकि एक लाइक हमें बहुत मोटिवेट यानी एनर्जी देता है आगे का नेक्स्ट वीडियो बनाने से रिलेटेड। और भी आपको जानकारी चाहिए तो हमारे कमेंट सेक्शन में आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। तो चलिए बिना टाइम लिए कर देते हैं वीडियो का स्टार्ट। तो यहाँ से देख सकते हैं बिहार कृषि इनपुट अनुदान का जो कि ऑफिशियल वेबसाइट है बिहार सरकार के, यहाँ से देख सकते हैं कृषि विभाग का जो ऑफिशियल साइट। जैसे आप इस पे आएंगे तो आपको स्क्रॉल करेंगे जहाँ से आप आवेदन कर रहे थे पहले, लेकिन आपको दो नई अपडेट है आपको यहाँ से देखने को मिल जाएगा फ्रेंड। यहाँ से देख सकते हैं, यहीं से आपको देखना है बिहार कृषि अंश खरीफ 2021 और 22 को देखने को मिल जा रहा है। अब आपको यहाँ से दो और नई अपडेट देखने को मिल गया होगा। यहाँ से देख सकते हैं प्रति भूमि के लिए अलग लिंक जारी किया गया, और बाढ़ ग्रसित जो इलाका है, बाढ़ के कारण आपका फसल जो बर्बाद हुआ है धान का, उसके लिए दो लिंक यानी फर्स्ट और सेकेंड दो लिंक जारी किया गया। तो आपको अब कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगा, यानी जो भी व्यक्ति का अगर प्रति भूमि रह गया है तो आप वो व्यक्ति यहाँ से ऑनलाइन कराएंगे, और जो बाढ़ से उनका फसल बर्बाद हुआ है धान का खेती, वहाँ बाढ़ जो लिखा है उस पर आपको क्लिक करना है। यानी बाढ़ के लिए दो लिंक दिया है और प्रति के लिए एक लिंक दिया है। तो जैसे आप इस पर क्लिक करेंगे तो आपके सामने जो इसका प्रति भूमि के लिए साइड होगा वो ओपन हो जाएगा। तो हम रात में वीडियो शूट करें तो आपको यहाँ से देखने को मिल जाएगा 9 बजे से लेकर शाम 6 बजे तक आदेश अनुसार कृषि विभाग का साइड ये ओपन रहता है, यानी आप आवेदन कर सकते हैं। हम यहाँ से देख सकते हैं 6:32 रात को यहाँ से हम वीडियो बना रहे हैं। तो इस तरह आप आवेदन कर सकते हैं। इस वीडियो में यही अपडेट देना था कि यानी जो भी अलग अलग कैटेगरी का आपको आवेदन करना है, प्रति के लिए अलग और बाढ़ ग्रसित के लिए अलग, तो यहाँ से आवेदन कर सकते हैं। वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ हमारे वीडियो को लाइक कर दीजिए, और चैनल पहली बार तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। इससे रिलेटेड हम अपने यूट्यूब चैनल पर वीडियो अपलोड करते रहते हैं। तो चलिए आज के लिए बस वीडियो कर देते हैं समाप्त।